तो कुछ इस तरीके से लोग भी ऊंट का मजा ले रहे हैं। और तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं सोमनाथ समुद्र बीच पे और कुछ इस तरीके का यहाँ अभी जो है सीन है, नज़ारा है और काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ का। और बीच में काफ़ी सारे लोग जो है घूमने के लिए आए हैं। समुद्र का जो तट होता है वो, जैसा आप देख पा रहे होंगे पीछे, लहरें काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी अभी हवा भी अच्छी चल रही है तो लहरें भी बहुत ऊपर तक उठ के आ रही है। तो जैसा कि पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये जो है बीच के लिए आने के लिए एक पार्किंग होती है, तो वहाँ से टिकट्स वगैरह लेनी होती है। तो ये पीछे आप देख पा रहे होंगे, तो वहाँ से बीच के लिए आने के लिए गेट है और गेट से आने के बाद यहाँ से आप बहुत सारी जगहों पे घूम सकते हैं। और तो अभी हम लोग समुद्र के किनारे पे ही है और कुछ इस तरीके का यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, सुहाना मौसम है आज का। और पानी आप देखिए एक बार, समुद्र की जो लहरें होती हैं वो किस तरीके से अभी उछल रही है, काफ़ी अच्छा और बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ का, देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आए भी हैं और कुछ लोग जो है उधर है, उस तरफ काफ़ी सारे लोग हैं। और यहाँ पे ऊँट की सवारी है, घोड़े की सवारी है, काफ़ी सारे चीज़ें हैं यहाँ पे अगर आप आना चाहो, घूमना चाहो तो। अभी हम लोग मंदिर का दर्शन करके आ चुके थे, उसका कुछ वीडियोस मैं बना लिया हूँ तो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। और अभी मंदिर के पीछे वाले हिस्से पे जाएंगे। बेसिकली क्या है, वहाँ जो है काफ़ी सारे चीज़ों के लिए प्रतिबंध लगाया गया था मंदिर में जाने के पहले, मोबाइल लेके नहीं जाना है। और इसके वजह से क्या है, वो वहाँ की कुछ चीज़ें जो है समझ में नहीं। ये मेरा भाई अभी बैठा हुआ है, अभी आनंद ले रहा है फिर दृश्य का, जो समुद्र की लहरें हैं उनका। और मैं भी थोड़ा घूम ही रहा हूँ, पानी में उतरने की इच्छा नहीं हो रही है। और वैसे भी यहाँ सारी चीज़ें फिर से बैन कर दी गई है सिक्योरिटी पर्पज़ के चलते। तो कुछ इस तरीके से लोग भी ऊँट का मज़ा ले रहे हैं और लहरें आप देख रहे हो, शायद आवाज़ नहीं आ पा रही होंगी क्योंकि लहरों की इतनी ज़्यादा आवाज़ है, उछल पानी जो जैसे उछल रही है तो उसके वजह से आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। तो कुछ इस तरीके की अभी यहाँ चीज़ें हैं। तो लहरें आप देखिए, और ये झाग आपको दिख रही होगी, पानी आपस में जो है टकरा के और रेत के साथ मिल के झाग बन जा रही है। और काफ़ी अच्छा सुनहरा दृश्य है यहाँ का, काफ़ी मस्त। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है तो ये नज़ारा काफ़ी बेहद लग रहा है, हवाएं भी अच्छी चल रही है, ठंडी हवाएं हैं। वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी शायद अगर कैमरा दिख जाए तो, कुछ नाव वगैरह भी चल रही हैं आगे। और वैसे नज़ारा क्या है, आगे तो कुछ पानी ही पानी आपको देखने को मिलेगा। अभी पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया था, जहाँ तक मैं हूँ वहाँ तक पानी जो है
आ चुका था। लहरें काफ़ी तेज़ हैं, हवाएं चल रही हैं इसकी वजह से। सो अभी आप देख पा रहेंगे ये तो देख पा रहे होंगे अभी सब ऊँट की सवारी कर रहा है कोई और किसी चीज़ों की। घोड़े और ऊँट काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, जो लोग अभी घुमा जिसको घूमने का शौक है उसको घुमा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है, और अब कहना भी क्या चाहूँ, सामने समुद्र है तो कुछ बोलने के लिए कुछ और शब्द ही नहीं निकल पा रहे, और समुद्र के आखे क्या बोले हैं वो समझ में नहीं। अभी हम लोग आगे उस तरफ भी जाएंगे तो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सामने आपको मंदिर दिख रही होंगी, और मंदिर के बारे में मैं और कुछ चीज़ें बता चुका हूँ तो उसके बारे में आगे आपको वीडियोस में मिल जाएंगी। गया काम से। अभी देखो पानी में ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन बहुत तेज़ी से ऊपर से आया पानी और पूरा जूता वगैरह मेरा तो भींग गया पूरा। तो लहरें काफ़ी तेज़ है, कल शाम को आए थे तो उतनी लहरें नहीं थी, और यहाँ पे आने के लिए बैन कर दिया गया था शाम के टाइम पे। और अभी हम आए हैं दोपहर में, दोपहर का टाइम है, एक लगभग बजे हुए हैं अभी, जूता मेरा पूरा भींग गया अभी।